What's up guys, Sanjot Keer here, welcome to YFL. मटन दम बिरयानी बना रहा हूँ पहली बार YFL पर. 6 साल में पहली बार मटन दम बिरयानी बन रही है. मेरे को भी थोड़ा सा ऐसे शौक लग रहा था कि मैंने आज दिन तक बनाई क्यों नहीं है, क्योंकि वन ऑफ माई फेवरेट रेसिपीज है. और ये जो रेसिपी बनती है ये बहुत ही डिलिशियस मटन बिरयानी बनती है. पक्के स्टाइल से मटन दम बिरयानी बना रहा हूँ, यानी कि मटन को जो है हम पहले ही कुक कर लेंगे, राइस को अलग से कुक करेंगे और फिर लेयर करके इसको दम पर रखेंगे और बहुत डिलिशियस बिरयानी बनती है. एक अच्छी बिरयानी के लिए मटन का एकदम जूसी और टेंडर होना बहुत ज़रूरी है. वो कैसे करते हैं वो बताने वाला हूँ. साथ ही में इसके जो फ्लेवर्स हैं बिरयानी के वो काफ़ी बैलेंस्ड होने चाहिए, जिसके लिए एक होममेड फ्रेश बिरयानी मसाला बहुत ज़रूरी होता है, तो उसकी रेसिपी बता रहा हूँ. साथ ही में जो चावल हैं वो एकदम खिले खिले बनने चाहिए, एकदम लंबा ग्रेन होना चाहिए और टूटने नहीं चाहिए चावल बिरयानी बनाते समय, तो वो भी कैसे किया जाता है मैं आपको बताने वाला हूँ. ओवरऑल बहुत ही डिलिशियस बिरयानी ये बनती है. सबसे पहले बिरयानी के लिए बिरिस्ता बनाना पड़ता है, जिस जो ब्राउन वाले क्रिस्पी प्याज होते हैं वो बनाने पड़ते हैं. वो कैसे बनाए जाते हैं वो देख लेते हैं. बिरिस्ता बनाने के लिए 750 ग्राम प्याज मैंने ले लिए हैं. प्याज को इस तरीके से पील करके बीच में से कट करके दो हिस्सों में डिवाइड कर लीजिए. प्याज का ये जो रूट वाला हिस्सा होता है इससे आपको अलग कर लेना है. अब प्याज को आपको स्लाइस करना है. प्याज को काटते समय ये डायरेक्शन में आपको नहीं कट करना है, बल्कि ये डायरेक्शन में आपको कट करना है. तो इस तरीके से प्याज को आप स्लाइस कर दीजिए. आप देख सकते हैं कि मैंने प्याज को बहुत पतला नहीं कट किया, ये वाली जो थिकनेस है मीडियम थिकनेस आपको रखनी है. मैंने 750 ग्राम प्याज इसी तरीके से कट करके रख दिए हैं. प्याज एक बार आप काट लें तो उसको इस तरीके से आपको थोड़ा मसल के इसके लेयर्स जो हैं वो अलग अलग कर लेने. लेयर्स का अलग करना ये जो प्रोसेस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है अच्छा बिरिस्ता बनाने के लिए. तो आप देख सकते हो इस तरीके से आपके प्याज के लेयर्स जो हैं खुल जाएंगे. अब प्याज को हमको फ्राई करना है. प्याज को फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने एक बड़ी सी कढ़ाई में तेल ले लिया है, उसे गर्म कर लिया है लगभग 135 डिग्री सेल्सियस पर. बहुत ज़्यादा गर्म आपका तेल नहीं करना है, थोड़ा सा ही गर्म करना है तेल को. तेल बहुत ज़्यादा भी नहीं लेना है. तो यहाँ पर मैं अभी सारे प्याज इसमें ऐड कर रहा हूँ. प्याज ऐड करने के बाद भी आप देख सकते हो कि तेल का जो लेवल है वो प्याज के भी सरफेस से थोड़ा नीचे है, तो इतना ही तेल आपको लेना है. अब हल्का सा स्टर कर दीजिए और इनिशियली बिरिस्ता को आपको एकदम हाई फ्लेम पर ही फ्राई करना है. बिरिस्ता का जो फ्राई करने का प्रोसेस है वो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, प्याज में मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है तो मॉइस्चर को हमको धीरे धीरे पकाकर प्याज में से निकालना है. और इस प्रोसेस में आप प्याज जो हैं वो गोल्डन ब्राउन रंग के हो जाएंगे और काफ़ी क्रिस्पी भी हो जाएंगे. आपको ध्यान देना है बीच बीच में स्टर करते हुए प्याज को इसी तरीके से फ्राई करते रहना है जब तक ये लाइट गोल्डन ब्राउन कलर के नहीं हो जाते हैं. अगर बीच में आपको कभी भी ऐसे लग रहा है कि तेल बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है तो आप फ्लेम को थोड़ा नीचे कर सकते हैं, या आपको ऐसे लग रहा है कि बबल्स आ ही नहीं रहे हैं प्याज में से, प्याज फ्राई नहीं हो रहे हैं, तो आप फ्लेम को बढ़ा सकते हैं. इस प्रोसेस को लगभग 15 से 20 मिनट लग जाते हैं, तो आराम आराम से प्याज को फ्राई कर लीजिए. आप देख सकते हो ये स्टेज पर प्याज ऑलमोस्ट लाइट गोल्डन ब्राउन रंग के हो चुके हैं. तो ये वाला जब ये रंग आ जाए प्याज का तो एकदम फटाफट से एक झारे से प्याज को आपको निकाल लेना है. एक चम्मच लेके एक्सेस ऑयल को ऐसे दबाकर निकाल लेना है. तेल आपने एक बार प्याज में से निकाल लिया, अब एक टिश्यू पेपर के ऊपर इस प्याज को निकाल लीजिए. प्याज को अभी आपको फोर्क की मदद से थोड़ा थोड़ा ऐसे छुट्टा कर लेना है, थोड़ा अलग अलग कर लेना है. अलग अलग करने के बाद एक टिश्यू पेपर से ऊपर से हल्का सा डैप कर दीजिए और एक्सेस ऑयल को निकाल दीजिए. एक बार आपने ये प्रोसेस कर लिया है तो फ्राइड प्याज को इसी तरीके से थोड़ी देर के लिए ठंडा होने दीजिए. ये ठंडे होकर हल्का सा रंग भी जो है इनका डार्क हो जाएगा और ये क्रिस्पी हो जाएंगे. तो बिरिस्ता हमारा रेडी हो गया है. और बिरिस्ता फ्राई करते टाइम एक बड़ी गलती हम ये कर देते हैं कि हम वेट करते हैं कि वो जो कलर है प्याज का वो परफेक्ट कलर तेल के अंदर ही हो जाए. लेकिन क्या होता है, तेल बहुत गर्म होता है और जब आप प्याज को निकाल भी देंगे, साइड पे रख भी देंगे, तो कैरी ओवर कुकिंग की वजह से प्याज का जो रंग है वो डार्क ब्राउन हो जाता है और थोड़े से बिटर हो जाते हैं. तो थोड़े अंडर डन ही आपको निकाल लेने होते हैं और कैरी ओवर कुकिंग की वजह से आपके प्याज का जो कलर है वो प्रॉपर लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाएगा. तो ये टिप का आपको एकदम ध्यान देना है. अब बिरयानी के लिए या मैं बिरिस्ता को डिवाइड कर रहा हूँ तो 20% जो बिरिस्ता है वो मैं गार्निश के लिए और लेयरिंग के लिए साइड में कर रहा हूँ और 80% जो है वो हम मैरिनेड में यूज़ करेंगे. तो इस तरीके से बिरिस्ता को डिवाइड कर लीजिए. मटन को मैरिनेट करने के लिए बिरयानी मसाला पहले बना लेते हैं. एक पैन को अच्छे से गरम कर लीजिए. एक बार आपका पैन गरम हो जाए तो फ्लेम को लो कर लीजिए. अब इसमें 2 टेबलस्पून साबुत धनिया, 1 टीस्पून जीरा, 2 टीस्पून शाहजीरा, 2 टेबलस्पून हरी इलायची, 5 से 6 मोटी इलायची, 3 इंच दालचीनी, 1 टेबलस्पून साबुत काली मिर्च, 7 से 8 तीखी वाली लाल मिर्च, 7 से 8 तेज़पत्ते, 2 टीस्पून लौंग और 3 जावित्री. ये सारे मसाले डाल दीजिए
और अभी स्टर करते हुए आपको एकदम लो फ्लेम पे धीरे धीरे इन मसालों को भूनना है जब तक कि इसमें से थोड़ी सी फ्रेग्रेंस आना नहीं शुरू हो जाती है और आपके जो मसाले हैं वो हल्के से गर्म नहीं हो जाते। तो धीरे धीरे बस 3-4 मिनट के लिए मसालों को अच्छे से भून लीजिए। एक बार आपने मसालों को भून लिया है तो इन्हें निकाल कर एक बोल में ट्रांसफर कर लीजिए। मसाले जब आपके गर्म ही हैं तब इसके अंदर 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी आपने ऐड करके मिक्स कर लेनी है। जो मसालों की गर्माहट है उससे आपकी कसूरी मेथी भी जो है हल्की सी क्रिस्पी हो जाएगी। अब मसालों को अच्छे से ठंडा कर लीजिए। एक बार आपके मसाले अच्छे से ठंडे हो जाएं तो इन मसालों को एक मिक्सर ग्राइंडर जार में ट्रांसफ़र कर लीजिए। साथ ही में 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 आपको जायफल जो है उसे ग्रेट करके इस मिक्सर ग्राइंडर में ऐड कर देना है और साथ ही में 1 लार्ज चुटकी जो है नमक की ऐड कर देनी है। अब इन सारे मसालों को आपको एक दरदरे पाउडर में पीस लेना। तो आप देख सकते हो मैंने बिरयानी मसाले को पीस लिया और इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हो, हमारा एकदम फ्रेग्रेंट और फ्लेवरफुल बिरयानी मसाला रेडी हो गया। ये जो बिरयानी मसाला है ये सॉर्ट ऑफ आपके बिरयानी की जान होती है क्योंकि सारा फ्लेवर है, जो अरोमा है, ये बिरयानी मसाले से ही आने वाली है। तो ये ज़रूर बनाओ, सिंपल रेसिपी है लेकिन बिरयानी का जो फ्लेवर है वो बहुत अमेजिंग आता है। आप एक बार ट्राई करेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये मसाला कितना इम्पॉर्टेंट है। इस मसाले को आप एक एयरटाइट कंटेनर में 1-2 महीने के लिए भी स्टोर करके रख सकते हैं, बट अगर आप फ्रेश बना पाएँ, इससे छोटी क्वांटिटी भी बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, क्योंकि ये वाले मसाले से आप 3-4 बार बिरयानी आराम से बना पाएंगे, तो इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो बिरयानी मसाला रेडी हो गया है। मटन को भी नेक्स्ट हमें मैरिनेट करना है। मटन कैसे मैरिनेट करना है चलो देख लेते हैं। तो 750 ग्राम मैंने अच्छे क्वालिटी का मटन ले लिया है। इसमें अभी टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड करना है, 1/2 टेबलस्पून नींबू का रस, 5 टेबलस्पून अदरक और लहसुन की पेस्ट, 3 हरी मिर्चों की पेस्ट, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1.5 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 2 टेबलस्पून हमने जो बिरयानी का मसाला बनाया था वो ऐड कर दीजिए। साथ ही में फ्रेशली चॉप किया हुआ ताज़ा पुदीना, फ्रेशली चॉप किया हुआ ताज़ा धनिया, जो हमने बिरिस्ता मैरिनेशन के लिए निकाला था, जो 80% वाला बिरिस्ता था, वो ऐड कर दीजिए। साथ ही में ये मैंने तेल ले लिया जिसमें हमने प्याज को फ्राई किया था, 5 टेबलस्पून ये प्याज के फ्लेवर वाला तेल ऐड कर दीजिए, बिरयानी में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब सारी चीज़ों को आपको बहुत अच्छे से मिक्स करना है ताकि सारे मसाले जो हैं वो मटन पर अच्छे से लग जाएं। अच्छे से मिक्स कर लीजिए इसको। एक बार सारे मसाले अच्छे से इवनली लग जाए मटन के ऊपर तब इसके अंदर हमें दही ऐड करना है। तो 300 ग्राम दही यहाँ पर मैंने अच्छे से फेंट लिया है और उसे मैं ऐड कर रहा हूँ इसके अंदर। दही ऐड करने के बाद आप अच्छे से अभी दही को भी मिला लीजिए मटन के साथ। तो मटन की मैरिनेशन यहाँ पर हो गई है। अभी मटन को आप कम से कम 2-3 घंटे के लिए मैरिनेट कर दीजिए। मटन को मैरिनेट करने में रख दिया है, अब मिनिमम आप 2 घंटे तो मटन को मैरिनेट कीजिए। काफ़ी जूसी और टेंडर बनता है मटन को मैरिनेट करके अगर रखे तो। इससे भी बेहतर हो जाएगा कि आप अगर रात में बना रहे हैं मटन को तो सुबह मटन को मैरिनेट करके फ्रिज में रख दीजिए, फ्रीज़र में नहीं रखना है। और अगर लंच में बना रहे हैं तो रात में मटन को आप मैरिनेट कर लीजिए और ओवरनाइट मटन को मैरिनेट होने दीजिए। मैरिनेशन प्रोसेस से आपको बहुत डेफिनेट एक डिफरेंस पता चलेगा कि आपका मटन बहुत जूसी, टेंडर और फटाफट भी कुक हो रहा है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है मटन को मैरिनेट करना, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। अगर आप थोड़ी जल्दी में तो 1-1.5 घंटा तो कम से कम आप मैरिनेट करके रखिए, फिर ही आप बिरयानी का प्रोसेस आगे का शुरू करेंगे। अब मटन को हमको पकाना है क्योंकि हम पकी मटन की बिरयानी बना रहे हैं। अगर कच्ची मटन की बिरयानी बना रहे हो तो जिसको कच्ची बिरयानी बोलते हैं, तो ये प्रोसेस के बाद बेसिकली कच्चे ही मटन के ऊपर चावलों को 3 अलग अलग लेवल्स में पकाकर लेयर किया जाता है और फिर दम पर पकाया जाता है और वो दम प्रोसेस में ही मटन भी कुक हो जाता है। लेकिन आज हम पक्के मटन की बिरयानी बना रहे हैं, यानी कि इसकी यखनी बनानी है, ग्रेवी जो है मसाले को कुक कर लेना है हमको मटन के साथ। अभी मटन को कुक करने के 2 तरीके हैं, एक तो आप खुले बर्तन में इसको कुक कर सकते हो जो मैं यूजुअली प्रेफर करता हूँ, और एक प्रेशर कुकर में भी कुक कर सकते हो जो आपके कुकिंग प्रोसेस को बहुत शॉर्ट कर देता है। तो काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं कि थोड़ा जल्दी वाला भी मेथड बताओ, तो आज मैं प्रेशर कुकर वाला मेथड यूज़ कर रहा हूँ जिसमें हमारा मटन जो है वो बस 15-20 मिनट में ही पक जाएगा और उसके बाद हम बिरयानी को लेयर कर पाएंगे चावल को पकाकर। तो प्रेशर कुकर में इस मटन को पकाना कैसे वो देख लेते हैं। मटन को पकाने के लिए एक प्रेशर कुकर ले लीजिए। अब इसमें आपको जो हमारा बिरिस्ता वाला तेल है वही 2 टेबलस्पून ऐड कर रहा हूँ। तेल को अच्छे से गर्म कर लीजिए। अब इसके अंदर मैरिनेट किया हुआ जो मटन है उसे ऐड कर दीजिए। मटन को अभी स्टार्टिंग में आपको 5-6 मिनट के लिए एकदम हाई फ्लेम पर कुक करना है स्टर करते हुए।
तो थोड़ा सा आपके जो मसाले हैं वो भुन जाएंगे, मटन जो है आपका थोड़ा पानी छोड़ना शुरू कर देगा। तो 5 से 6 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर स्टर करते हुए मटन को पका लीजिए। एक बार 5-6 मिनट के लिए आपने मटन को पका लिया है, इस स्टेज पर यहाँ पर मैं इसमें आलू ऐड कर रहा हूँ। तो 2 मैंने मीडियम साइज के आलू को क्वार्टर्स में कट करके ऐड कर दिया है, अच्छे से मिला लीजिए। एक बार आप मिला ले सारी चीज़ों को, इसके अंदर अब गर्म पानी ऐड करना है। तो यहाँ पर मैं 500 ml लगभग गर्म पानी ऐड कर रहा हूँ। पानी ऐड करके अच्छे से स्टर कर लीजिए। स्टर करने के बाद कुकर का ढक्कन लगा दीजिए। स्टार्टिंग में मटन को आपको 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर कुक करना है, या पहले सीटी आने तक हाई फ्लेम पर कुक करना है। एक बार एक सीटी आ जाए उसके बाद फ्लेम को धीमे कर दीजिए और लो फ्लेम पर या मीडियम लो फ्लेम पर लगभग 10 से 15 मिनट के लिए आपको मटन को कुक करना है। अब आपके मटन की क्वालिटी पे डिपेंड करेगा कि मटन को कितना समय लगता है। अगर आपके मटन की क्वालिटी अच्छी है तो बस 15 मिनट में ही आपका मटन जो है वो अच्छे से कुक हो जाएगा। आपको एकदम अच्छे से गलाना नहीं है मटन को, हल्का सा अंडर डन रखना है, ये बात को आपको ध्यान देना है। तो मैंने मटन को अभी 15 मिनट के लिए पका लिया है और कुकर में से जो स्टीम है वो भी निकल चुकी है, तो चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हो तेल पूरा अच्छे से ऊपर आ गया है, मसाला तो हमारा कुक हो गया है। मटन भी मैं चेक कर लेता हूँ, मटन भी जो है हमारा ऑलमोस्ट कुक्ड है, हल्की सी ही कसर बच गई है, तो मटन हमारा रेडी हो गया है। अब इस पके हुए मटन को मैं एक हांडी में बिरयानी के साथ लेयर करने वाला हूँ। तो एक मैंने मोटे तले की ये हांडी ले ली है, मटन को हांडी में ट्रांसफ़र कर दीजिए और अच्छे से एक लेयर में इसको फैला लीजिए। इस स्टेज पर मटन को टेस्ट भी करके देख लीजिए, जो मसाला है वो आपका हल्का सा नमक में भी तेज़ होना चाहिए और हल्का सा मसालों में भी तेज़ होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ही आपकी जो बिरयानी है वो चावलों के साथ एकदम बैलेंस्ड होगी उसके फ्लेवर्स, तो ये बात आप ध्यान दीजिए। एक बार आपने मटन को फैला लिया है, इसके ऊपर थोड़ा सा फ्रेशली चॉप्ड धनिया, थोड़ा सा फ्रेशली चॉप्ड पुदीना, थोड़ा सा बिरिस्ता और एक चुटकी भर बिरयानी मसाला इसके ऊपर डाल दीजिए। तो हमारी बिरयानी के लेयरिंग का पहला स्टेज हो गया है, अब चावलों को पकाना है। यहाँ पर मैंने 750 ग्राम अच्छे क्वालिटी के बासमती चावल लिए हैं। इस चावल को आपको 5 से 6 पानी में अच्छे से वॉश कर लेना है। वॉश करते टाइम आपको ध्यान देना है कि एकदम हल्के हाथ आपको यूज़ करने, नहीं तो चावल टूट जाते हैं। पानी जब आपका एक बार क्लियर हो जाए वॉश करते करते, अब चावलों को आपको भिगोना है। तो चावल को भिगोने के लिए खुले पानी में चावलों को भिगो लीजिए। मिनिमम 1/2 आवर आपको भिगोना है और मैक्सिमम 1 घंटा आपको चावलों को भिगाना है। तो चावल को पकाने के लिए एक बड़ी सी हांडी में कम से कम 5-6 लीटर पानी ले लीजिए। अब इसके अंदर आपको नमक ऐड करना है, नमक थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए इसके अंदर, पानी जब आप टेस्ट करें तो खारा एकदम टेस्ट आना चाहिए। अब इसके अंदर 1 चक्री फूल, 2 तेज पत्ते, 1 स्लिट की हुई हरी मिर्च, 3 से 4 लौंग, 3 से 4 साबुत काली मिर्च, 3 से 4 हरी इलायची, 1 टीस्पून शाहजीरा और 1 टीस्पून इसमें नींबू का रस डालिए और साथ में इसका छिलका भी ऐड कर दीजिए, इससे चावल थोड़े खुले खुले बनते हैं। अब ढक्कन लगाकर आपको इस पानी को एक रोरिंग बॉयल पे, यानी कि एक अच्छा सा उबाल आ जाए तब तक पानी को आपको पका लेना। एक बार खड़े मसालों के साथ पानी अच्छे से उबल जाए तो मैं यहाँ पर खड़े मसाले निकाल रहा हूँ। ये स्टेप उन लोगों के लिए जिनका मूड ख़राब हो जाता है जब बिरयानी में इलायची या खड़े मसाले आ जाते हैं, तो मसाले आप यहीं पर निकाल लीजिए। अब जो हमने चावल सोख किए थे उनका पानी निकाल कर चावलों को उबलते हुए पानी के अंदर ऐड कर दीजिए। चावल ऐड करने के बाद आपको बहुत ज़्यादा स्टर नहीं करना है, हल्के हाथों से आप स्टर कर सकते हैं तो चावल के दाने टूट जाते हैं। चावल अगर आपने 1 घंटे के लिए सोख किए तो बस 4 से 5 मिनट में ही आपके चावल पक जाएंगे। चावल जो है हमको बस 90% कुक करने, तो 4 से 5 मिनट परफेक्ट टाइम होता है। मीडियम हाई फ्लेम पर ही चावलों को कुक कीजिए। आप चेक कर सकते हैं चावल को, चावल में हल्की सी बाइट रहनी चाहिए लेकिन चावल का जो दाना है वो अच्छे से खिल जाना चाहिए। यहाँ पर 4-5 मिनट हो चुके हैं। एक बार 4-5 मिनट हो जाएं तो गैस को जो है आप स्लो पे कर दीजिए और एक बड़े से झारे से इस तरीके से केयरफुली आपको आधे चावल निकाल लेने। आधे चावल छान कर आपकी जो बिरयानी वाली हांडी सेट है उसके अंदर इन चावलों को ऐड कर दीजिए गरम गरम ही। अब इसके ऊपर थोड़ा सा चॉप्ड धनिया, थोड़ा सा चॉप्ड पुदीना, थोड़ा सा बिरिस्ता और 1 चुटकी भर बिरयानी मसाला। ये प्रोसेस करने के बाद बाकी के जो चावल हैं उन्हें भी केयरफुली छानिए हल्के हाथों से और छान कर और एक लेयर जो है आपकी चावल की ऐड कर दीजिए। अब चावलों को हल्के हाथों से एक फोक यूज़ करके ऊपर से सरफेस जो है इसका इवन आउट कर लीजिए। अब इसके ऊपर लास्ट में ताज़ा कटा हुआ धनिया, थोड़ा ताज़ा कटा हुआ पुदीना, थोड़ा सा बिरिस्ता। यहाँ पर मैंने दूध और केसर का एक मिक्सचर बनाया हुआ है, तो ये दूध और केसर का जो मिक्सचर है 2 से 3 चम्मच ये ऐड कर दीजिए, इससे फ्लेवर और रंग अच्छा आएगा। और लास्ट में 2 से 3 टेबलस्पून यहाँ पर घी आपको ऐड करना है। घी ऐड करने के बाद अब इसके ऊपर ढक्कन लगाना है, तो मैं इसको सील करने के लिए यहाँ पर एक गीला मलमल का कपड़ा ले रहा हूँ। इस तरीके से उसको लगा दीजिए। आप मलमल के कपड़े के जगह पर गूंदा हुआ आटा भी लगा सकते हैं।
ये सेट करने के बाद ऊपर से ढक्कन लगा दीजिए। अब हांडी के नीचे आपको इस तरीके से एक तवा रखना है ताकि जो हीट है इसको बहुत धीरे धीरे से मिले। तवे के ऊपर हांडी को रख दीजिए और हांडी के ऊपर एक भारी सी चीज़ रख दीजिए। अब मटन को दम पे पकाने के लिए इनिशियली आपको 5 से 7 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर ही कुक करना है। 5-7 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे कुक करने के बाद फ्लेम को एकदम लो कर दीजिए और 10 से 15 मिनट और आपको इस मटन को दम पर पकाना है। तो बिरयानी को अभी मैंने दम पर पका लिया है। अब मैंने जो आज हांडी यूज़ की है बिरयानी को लेयर करने के लिए वो काफ़ी मोटे तले की है, तो मैं तो इनिशियली इसको हाई फ्लेम पर 10-12 मिनट के लिए पकाता हूँ और फिर मीडियम फ्लेम पर आगे 10 मिनट के लिए पकाता हूँ, क्योंकि काफ़ी मोटे तले की हांडी है, नीचे तवा भी है। अगर आपके घर पे उतनी मोटे तले की हांडी नहीं है, थोड़ी सी आपकी पतली है हांडी, तो आप बस 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर कीजिए इसको कुक और फिर 10-15 मिनट के लिए एकदम लो फ्लेम पर कीजिए, नहीं तो बिरयानी क्या है नीचे से लगना शुरू हो जाएगी। ये मलमल का कपड़ा जब रखते हैं तो इसमें एक फ़ायदा ये हो जाता है कि एक बार प्रोसेस हो जाए, आप हांडी को जब खोलते हैं आप नीचे एक क्या है करची का जो पिछला हिस्सा होता है वो ऐसे अंदर डिप कीजिए, हल्का सा घुमा कर देखिए, अगर पानी पानी लग रहा है नीचे तो आप फिर से इसको थोड़ा सा कुक कर सकते हैं, तो एक आसानी हो जाती है चेक करने के लिए। तो अगर पानी अगर लग रहा है नीचे बिरयानी में तो थोड़ा सा और कुक कर लीजिए। एक बार आपने बिरयानी को दम दे दिया है, एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जो हम घर पे नहीं करते, हम बिरयानी को इमिजिएटली ढक्कन निकाल कर चावल निकाल कर सर्व कर देते हैं। वो बहुत बड़ी गलती होती है, उससे क्या होता है बिरयानी के जो फ्लेवर्स हैं वो स्टीम की वजह से सेटल नहीं होते हैं और बिरयानी थोड़ी सी फीकी फीकी लगती है। बिरयानी को इसी तरीके से 15-20 मिनट तक रेस्ट होने दीजिए, थोड़ा सा हल्का सा इसका टेम्परेचर नीचे आने दीजिए, जो स्टीम है उसको सेटल होने दीजिए, फिर ही बिरयानी को परोसिए, तो ही बिरयानी का परफेक्ट फ्लेवर आपको मिलेगा। तो मैंने अभी बिरयानी को रेस्ट भी दे दिया है, बिरयानी को अभी प्लेट कर लेते हैं वाईफल स्टाइल। मटन बिरयानी बहुत ही डिलिशियस बनी है, खाते हुए इसमें मज़ा आ गया और इतनी टेस्टी मटन, इतना सॉफ्ट, फ्लेवर्स एकदम बैलेंस्ड और चावल तो आपने देखे ही कितने खिले खिले बने हैं। आप ये मटन बिरयानी बनाइए घर पे, अगर आपके घर पर मटन खाना पसंद करते हैं और बिरयानी पसंद करते हैं तो ये मस्ट ट्राई रेसिपी है। पहली बार YFL पर मैंने मटन बिरयानी आज बनाई है, तो मुझे ज़रूर बताओ कमेंट्स में आपको ये रेसिपी कैसे लगी। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस रेसिपी, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू YFL if you haven't yet. Have an amazing time with this beautiful mutton dum biryani recipe at your home. और अगर आप मटन नहीं खाते हैं तो मैंने चिकन दम बिरयानी की भी रेसिपी अपलोड कर रखी है, तो वो भी जाके चेक कर सकते हो। Enjoy this recipe. Cheers.